संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इष्टोपदेश ग्रंथ में एक छोटा सा उदाहरण आता है। एक बहुत बड़ा जंगल में बरगद का वृक्ष था। बहुत सारे पंछी अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग देश से उस बरगद के वृक्ष पर रैन बसेरा करने के लिए आके रुक जाते हैं, रात बिताते हैं। और जब सुबह होती है तो हर पंछी अलग अलग अपने रास्ते पे जहां जा रहा था वहां चला जाता है। हम सब भी यहां पर रैन बसेरा कर रहे हैं। अलग अलग जीव अलग अलग जगह से आए हैं, कुछ काल कुछ समय एक साथ एक परिवार की तरह एक डाल पर बिठाते बैठ के बिताते हैं और कुछ समय बाद फिर अपने अपने रास्ते आगे निकल जाते हैं। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि जब ये पंछी इस डाल पर आए, उन सब पे एक ऐसा जादू छा गया, एक ऐसी बेहोशी छा गई, एक ऐसा नशा छा गया कि वो भूल गए वो कहां से आए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें जाना कहीं था भी, कि बस ये ही उनकी दुनिया है। उनके भ्रम से ये नहीं बदल जाता फैक्ट कि सुबह उन्हें अपने रास्ते पे कहीं ना कहीं जाना तो होगा ही, लेकिन फिर भी वो भूल चुके हैं। पड़ोसी से झगड़ा करने लग जाते हैं, ये डाल तो मेरी है, तू मेरे डाल पे क्यों बैठा है, मुझे एक और डाल चाहिए, मैं ऊंची डाल पे बैठूंगा तू नीचे डाल पे क्यों बैठा हुआ है, मुझे मेरे लोगों को भी आगे ले जाना है। वो समझता है मैं तो काला हूं, मैं तो गोरा हूं, मैं तो मोटा हूं, मैं तो पतला हूं। उसे लगता है कि ये डाल ही उसका अस्तित्व है, ये ही उसका जीवन है, ये ही उसका भविष्य है, और यही उसे हमेशा के लिए रहना है। ये पंछी हम हैं। ये विचार करने की घड़ी है आज, 120 की गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड पर। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है देखने की कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जाना कहाँ है। अचानक एक घटना घटती है और स्पीड ब्रेकर आता है, जैसे कि ये हमारे साथ अभी अभी हुआ। हम तो इस सारे संयोगों को नित्य मान के बैठे थे, हमें तो लगता था कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। हमें लगता था कि हमारे प्रिय जन, नियर एंड डियर वंस, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन वस्तु का स्वरूप चीख चीख के आपको सुबह से शाम तक हर घड़ी बता रहा है कि कोई भी संयोग नित्य नहीं है। एक सूरज क्या हमेशा उसी जगह पर रहता है? क्या चंद्रमा हमेशा वहीं रहता है? क्या हमेशा वो पूर्णिमा रूप रहता है? क्या मौसम बदल नहीं जाता हर दिन? वस्तु का स्वरूप चीख चीख के ये बता रहा है कि तेरी आंख पे पर्दा पड़ा है। तू जिस दुनिया को परमानेंट माने बैठा है, जिसे नित्य माने बैठा है, वो पूरी की पूरी दुनिया अनित्य है। उसका धर्म अनित्यता है, उसका धर्म बदलाव है। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि हम सब अभी भी साथ हैं, आश्चर्य इस बात का है कि हम अभी तक बिछड़े क्यों नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पलक झपकते ही ये संयोग बदल जाएंगे। एक बार ये हमें विचार करने की आवश्यकता है बहुत गंभीरता से कि क्या ये जीवन जो मुझे आज मिला है, ये अपने आप में गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, या ये एक जर्नी है? क्योंकि मैं तो इस
इसे डेस्टिनेशन माने बैठा हूँ, मैं तो यहीं पर महल खड़े कर रहा हूँ। मैं तो इसे ऐसे सजा रहा हूँ जैसे ये कभी बदलेगा नहीं। और यदि ये एक जर्नी है तो ये जर्नी सिर्फ इस जर्नी को अच्छा बनाने के लिए है कि जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है वहां एक कदम मैं आगे बढ़ूं उसके लिए है। मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या? ये शरीर हूं मैं, एक स्त्री हूं मैं, इंडियन हूं मैं, गुजराती हूं मैं, मारवाड़ी में हूं मैं, मुंबई में रहने वाला हूं, बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं मैं, ये मुझे डिफाइन करेगा? कि एक बात, आज तो इतना समय नहीं है लेकिन गंभीरता से विचार करना, मेरा अस्तित्व इस शरीर और इस पर्याय के जितना है या मेरा अस्तित्व इससे भिन्न एक जीता जाता चेतन तत्व रूप से है जो कुछ समय के लिए एक रोल अदा कर रहा है, इस शरीर में आके रहता है। इस शरीर पे अपने जीवन को बर्बाद करना ऐसा है जैसे कि आती हुई लहर के ऊपर अपने जीवन को न्यौछावर कर देना, तो जाने वाली है। और यदि मैं वो जीव हूं तो मेरा भूतकाल क्या था? थोड़ा सा कल्पना में ही सही, क्योंकि हमारे ऊपर नशा चढ़ा है, हमें अपना भूतकाल याद नहीं है। कोई बताए तो शायद थोड़ा पता चल जाए। आप जानते हैं हमारी शुरुआत कहां से थी, अनादिकाल से हम कहां रहते आए हैं? ये आंखें तो अब जाके मिली है, ये कान अब जाके मिले, ये सुनने की शक्ति, ये चखने की शक्ति, ये सब थी नहीं मेरे पास। मैं ऐसी जगह था जहां पे पैदा होते ही मर जाने का टाइम आ जाता था। एवरी मोमेंट इट वॉज अ चैलेंज ऑफ लाइफ एंड डेथ। अनंत काल मैंने वहां बिता दिए, ये समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आज भी मैक्सिमम जीव वहीं उसी अवस्था में है। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से निकल के पेड़ बना, बड़ी मुश्किल से मैं वहां से निकल के एक चींटी बना, एक इल्ली बना, एक पंछी बना। जैसे मिक्सी के अंदर जो पिस रहा होता है वो नीचे का माल सारा ऊपर आ जाता है और ऊपर का माल वापस नीचे चला जाता है, ऐसे ही तो पीसा जाता है, राइट? ऐसे ही इस दुनिया के मिक्सर में बहुत सारे जीव हैं जो नीचे हैं, कई जीव हैं जो बड़ी मुश्किल से ऊपर कुछ काल के लिए आ जाते हैं। यू नो व्हाट, दिस इज द बेस्ट इट कैन गेट। हम सब जिस अवस्था में हैं, जिस आयु में हैं, जिस मानसिक स्थिति में है, इससे बेहतर हमारे संयोग अब भविष्य में नहीं होने वाले हैं। हम टॉप पे आ चुके हैं, इसके बाद डाउनफॉल तो होगा, अवश्यम भावी होगा यदि कुछ किया नहीं तो, क्योंकि वो नेचुरल कोर्स है। लेकिन यदि हम यहीं बने रहे तो हमारा भविष्य उन गुमनामी की गलियों में फिर पहुंच जाएगा जहां पे बस एक इंद्रिय बचेगी और जीवन और मरण का प्रश्न प्रति समय होता रहेगा। ऐसा क्या हो सकता है जो मैं इस जीवन में कर सकता हूँ? मैं क्या बदल सकता हूँ? क्या मैं दुनिया बदल सकता हूँ? मुझे किस किस को सुधारना है? दुनिया नहीं बदलेगी, ना कोई और सुधरेगा। मेरे दुख का कारण मैं हूँ, मेरे भ्रम का कारण मैं हूँ। और भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है? सत्य को देखना। क्या है ये सत्य, क्या है ये रहस्य? क्या दुनिया में प्रलय आ जाए और फिर भी मेरे मन की शांति भंग ना हो, ऐसी शांति मुझमें उत्पन्न हो सकती है? क्या मैं ऐसा इम्यून हो सकता हूं हर संयोग से, हर कर्म के उदय से, कि कुछ हो जाए, दुनिया यहां की वहां हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आनंद में रहूं और आनंद में रहूं और हमेशा आनंद में ही रहूं? क्या जिस गुड ह्यूमन बीइंग बनकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, मैं तो मंदिर जाता हूं, मैं तो दान देता हूं, मैं भूखों को खाना खिलाता हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए था मुझे, और क्या करना था इस जीवन में? लेकिन क्या मैंने ये रियलाइज किया कि ये भी बंधन है,
को दान देना भी बंधन है, ये करुणा भी बंधन है, लोगों की मदद करना ये बंधन है, व्रत करना, नियम पालना, संयम धारण करना ये तो बंधन है। ये तो मुझे संसार में बांधे रखेंगे, इसके जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो करना क्या है मुझको, हूं कौन मैं, हु डू वी वॉन्ट टू फीड। ये शरीर की सेवा कितनी ही कर लेना, कितना ही योगा कर लेना, प्राणायाम कर लेना, हेल्दी फूड खा लेना, जॉगिंग कर लेना, वॉकिंग कर लेना, लेकिन शरीर की तो सीमा है, कोई 200 वर्ष तो नहीं जी पाएगा ना। हाँ, मनाही नहीं है इस बात की कि जितने जिन जियो आप अच्छे से जियो, लेकिन वॉट फॉर, इज द शरीर द एंड और इट इज जस्ट द राइट इकोसिस्टम। हमने तो अपनी इस पर्याय से अपना अस्तित्व मान रखा है, और यदि इस पर्याय से अपना अस्तित्व मानते रहेंगे और गुड ह्यूमन बीइंग बन के अपने जीवन का लक्ष्य मान लेंगे, तो बहुत जल्दी हम उन जीवों में गिने जाएंगे जिनको दूसरे गुड ह्यूमन बीइंग दया दृष्टि से देखते हैं। मैं एक शुद्ध ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ऐसा परम चिद्रूप एक शुद्ध चेतन तत्व हूं। शरीर से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये शरीर में मैं रह रहा हूं। जब गाड़ी को ड्राइव करो नई नई खरीद कर, उसमें एक स्क्रैच पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि हाय अभी अभी तो शोरूम से निकाली थी मैंने, वो स्क्रैच किसमें पड़ा था, गाड़ी में या मुझ में। ड्राइवर को दर्द नहीं होता, मालिक को दर्द होता है जब गाड़ी में स्क्रैच पड़ता है। इस शरीर के हम मालिक बने बैठे हैं कि शरीर के ड्राइवर हैं, ये विचार तो करना पड़ेगा ना, ये गंभीरता पूर्वक विचार तो करना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी मुझ में होशो हवास है, मेरी पांचों इंद्रियां हैं, मेरे पास मन है, सोचने समझने की शक्ति है, और इस दुनिया में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा और मकान से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं, मेरे पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी है, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज हमारी पूरी हो चुकी है। पर हमारी प्रॉब्लम क्या बनी हुई है, और रोटी और कपड़ा और मकान, और रोटी और कपड़ा और मकान। कितनी रोटियां, कितने कपड़े और कितने मकान हम ले लेंगे, हमारा पेट नहीं भरता है, लेकिन ये तो बहती हुई लहर के साथ बह जाएगा। मैं कौन हूं, किसमें इन्वेस्टमेंट करना है। हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है संयोग की कि हम चाहें और अपना कार्य नहीं कर सके, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक जीव को मोक्षार्थ प्रकाशक में टोडर मल जी ऐसा उदाहरण देते हैं कि जब पानी का बहाव बहुत तेज होता है, उसमें ये जीव बहता चला जाता है, बहुत कोशिश कर ले तो भी बाहर निकलने का, कितनी ही कोशिश करे निकलने का, पुरुषार्थ करे, निकल नहीं सकता। जब पानी का बहाव कम हो और तब यदि ये सही डायरेक्शन में हाथ पैर मारे तो ये उस पानी से बाहर निकल सकता है। जब रोग है, जब बचपना है, जब घर में शादी है, जब कषायें तीव्र हैं, जब देश और काल में शांति नहीं है, जब विद्रोह हो रहा है, तब तो पानी का बहाव इतना तेज है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस मनुष्य भव को छोड़ दो तो बाकी की गतियों में, बाकी की पर्यायों में, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय की पर्यायों में, नरक गति में, वहां तो फुर्सत ही नहीं है मुझे अपने आत्मा के कल्याण करने की, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि मैं कितने ही हाथ पैर मारने की कोशिश करूं, मुझ में वो शक्ति ही नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट खड़ा रह सकूं। बहुत पुण्य के उदय से, अनादि काल से जो मौका आज तक नहीं मिला, वो मौका हमें अब मिला है। पानी का बहाव धीमा है, वो मौका आया है जब यदि हम थोड़े से भी हाथ पैर सही डायरेक्शन में मारने की कोशिश करें
तो हम इस संसार के लाइफ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। इट इज पॉसिबल। पता नहीं कब किसका पानी का बहाव कैसे तेज हो जाएगा, नहीं पता कि हम घर जाने तक भी ऐसे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। आपकी आयु कम हो या ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं पता वो पल कब आ जाएगा जिसके बाद में हम अपने होशोहवाश में नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर आपको सिडेट कर देगा, शरीर में छेदन भेदन हो जाएगा, हमारे परिणाम हम संभाले नहीं संभाल पाएंगे। तब काम आएंगे वो संस्कार जो हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जा चुके हैं। तो इसलिए जो हमारे वो क्षण हैं जब पानी का बहाव मंदा है, जहां हम अपने होशो हवास में हैं, जब हम अपने कंट्रोल में हैं, स्टॉप वेस्टिंग आर एनर्जीज एनी मोर इन द संयोग, इन द पर्याय, इन दिस बॉडी, इन द वेल्थ दैट एनी वेज इज सच मोमेंटरी। आज वो घड़ी आई है, हमने देख लिया पिछले 2 सालों में कोविड के बाद से, हमने देख लिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। 20 साल, 30 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल के लोग पलक झपकते ही चले जाते हैं। किस बात का ओवर कॉन्फिडेंस है हमको, किस बात का ओवर कॉन्फिडेंस है? लोगों के पास 20,000 करोड़ की संपत्ति हो जाती है, लेकिन उनका नेक्स्ट टारगेट चल रहा होता है कि इसे 30,000 करोड़ की कैसे बनाया जाए। उस 30,000 करोड़ की लाइफ कितनी है, कभी ये विचार किया? वो एडिशनल 10,000 करोड़ का आप क्या कर लोगे? 2 की जगह 3 रोटियां खाना शुरू कर दोगे या रोज काजू की सब्जी बनवाना शुरू कर दोगे? 20,000 करोड़ में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो 3 रोटियां और काजू की सब्जियां, यदि वही खाना आपका लक्ष्य था तो। द पॉइंट इज वी आर डूइंग द जॉब्स दैट वी हेट टू डू, टू बाय द थिंग्स दैट वी डोंट नीड, टू प्लीज द पीपल हुम एनीवेज वी डोंट लाइक। तो ये जीवन कहाँ जा रहा है, किस डाल पर रैन बसेरा करने बैठे थे लेकिन हमने अपना समाज वहाँ पर खड़ा करना शुरू कर दिया, हमने अपनी दुनिया वहाँ बसाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ये दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि जाना सबको है, कुछ ऐसे रहस्य हैं जीवन के जिनको यदि हमने जान लिया और अनुभव कर लिया तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। और अनंत काल के लिए हमारा ये जन्म और मरण का जो चक्कर है ये बंद हो सकता है। अभी तो जितना हमारे पास समय था इसमें हम इतनी ही बात कर सकते थे कि देर इज लाइट, देर इज एन ऑप्शन एंड देर इज होप, और पानी का बहाव अभी मंदा है और हम यहाँ पर रैन बसेरा करने आए हैं। यदि हम सब इसका रहस्य समझना चाहते हैं तो अपने लिए हम जाग जाएं, अपने अस्तित्व के लिए जाग जाएं। प्रीति ने तो अपना काम कर लिया था, उसको तो मार्ग मिल गया था, उसके जीवन में वो परिवर्तन आ गया था और उसको ये समझ में आ गया था कि यही सच्चा मार्ग है। इसलिए हमें पूरा पूरा विश्वास है जिस तरीके से उसके पिछले कुछ साल बीते हैं कि वो तो अपना मोक्ष मार्ग का कार्य अगले 1, 2 या 3 भवों में कर ही लेगी। लेकिन व्हाट अबाउट अस, इट इज नेवर टू लेट। यदि हम में अभी भी वो जागने की शक्ति है और आप खुल सकती हैं तो जब जागो तभी सवेरा है। हम सब इसी भावना से सही मार्ग पर लगे, ये मटेरियलिज्म के पीछे ना भागे। मन की शांति पूर्ण वितरागता में है और वितरागी मार्ग का आलंबन हम लेकर इसके तह तक समझें अपने अस्तित्व को। इसी भावना के साथ मैं आज की बातें पूरी करूँगी।